आखेटक से उसका आखेट नहीं छीनना चाहिए सात्विकी। रणभूमि में सभी आखेटक भी होते हैं आचार्य, और आखेट भी। हे ब्राह्मण, ये पाठशाला नहीं है, रणभूमि है। अपने अहंकार के रथ से नीचे उतरो, क्योंकि रथ तो क्षत्रियों की सवारी है। महारथी सात्विकी अब थकने लगे हैं प्रधान सेनापति दृष्टद्युम्न, और यदि सहायता ना भेजी गई तो वे अवश्य ही आचार्य के हाथों वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। जो आज्ञा। आक्रमण! आक्रमण! ये तो वासुदेव के शंख की ललकार है प्रिय भीम, किंतु इसी के साथ मेरे प्रिय अर्जुन की प्रत्यंचा की टंकार क्यों नहीं गुंजी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा प्रिय अर्जुन वीरगति को प्राप्त हो गया हो और क्रोध में आकर वासुदेव ने शस्त्र उठा लिया हो? प्रिय भीम, तुम जाओ। क्षमा चाहता हूं भ्राता श्री, किंतु आपकी सुरक्षा अर्जुन की सुरक्षा से अधिक आवश्यक है। हे सात्विकी, मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत घायल हो, किंतु फिर भी तुमसे कहता हूं कि अर्जुन की सहायता के लिए तुम जाओ। छोटे भैया के साथ वासुदेव है भ्राताश्री। फिर भी सात्विकी। आपकी आज्ञा शिरोधार्य महाराज, किंतु स्वयं कुंती पुत्र अर्जुन ही मुझसे कह गए थे, हे सात्विकी, मेरे लौट आने तक तुम भ्राताश्री के पास से न हटना, और मैंने भी उन्हें यह वचन दिया था कि उनके लौटने तक मैं उनके स्थान पर आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा रहूंगा। वो वृद्ध ब्राह्मण हम में से किसी एक के वश में आने वाला नहीं है, और इस बात में मैं बलवान भीम से सहमत हूं कि आपकी सुरक्षा अर्जुन की सुरक्षा से कहीं अधिक आवश्यक है। और फिर यह भी सोचिए महाराज कि जिसके साथ स्वयं वासुदेव हों, भला उसे किसी और की सहायता की क्या आवश्यकता हो सकती है। मैं फिर भी चाहता हूं महारथी सात्विकी कि तुम जाओ। जो आज्ञा। चलो सारथी। प्रधान सेनापति की जय हो। क्या समाचार लाए हो सैनिक? सात्विकी सेना की टुकड़ी लेकर अर्जुन की सहायता के लिए चल पड़े हैं। आक्रमण! आक्रमण!
हे भगवान, गांडीव की टंकार सुनवाइए। आप घबराइए मत भ्राताश्री, प्रिय अर्जुन के साथ स्वयं वासुदेव हैं। ये तो मैं भी जानता हूं अनुज, किंतु गांडीव की टंकार क्यों नहीं सुनाई दी? महारथी सात्तक के भी लौट कर नहीं आए। हे प्रिय भीम, मेरी चिंता छोड़ो, अर्जुन के पास जाओ। प्रिय भीम, अर्जुन के पास जाओ। किंतु भ्राताश्री, ये तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता और तुम्हारे राजा का आदेश है। जो आज्ञा। हे पांचाल, ये तो तुम जानते ही हो कि आचार्य द्रोण भ्राताश्री को बंदी बनाने का संकल्प लेकर आए हैं और भ्राताश्री मुझे अर्जुन की सहायता के लिए भेज रहे हैं। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए भ्राताश्री की सुरक्षा आपका दायित्व है। आप चिंता न करें मजले भैया, जेस भ्राताश्री को बंदी बनाने के लिए आचार्य द्रोण को हमारा शव पार करना पड़ेगा। चलो सारथी। हे महारथी, भीम अर्जुन की सहायता के लिए जा रहा है। भीम का वहां पहुंच जाना हमारे लिए शुभ नहीं है, इसलिए मैं तो युधिष्ठिर को रोकता हूं, आप भीम को रोकिए। जो आज्ञा आचार्य वर। सारथी, रथ भीम की ओर ले चलो। रुक जाओ भीम, युद्ध करना है तो मुझसे युद्ध करो। इन साधारण सैनिकों से क्या युद्ध कर रहे हो? चढ़ती नदी के सामने जो आता है बह जाता है महारथी। किस शस्त्र का प्रयोग करोगे? करना है तो दूसरी गदा लो महारथी, नहीं तो चुपचाप अपने रथ पर बैठो और मेरे सामने से हट जाओ। सारथी, रथ आगे लो। कहां जा रहे हो कुंती पुत्र? ठहरो, मुझे पराजित किए बिना तुम अर्जुन की सहायता के लिए नहीं जा सकते हो। अर्जुन तो मेरी आज्ञा लेकर चला गया, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं दूंगा। अर्जुन आपकी आज्ञा लेकर नहीं गया था, वो आपको विवश करके गया था। यदि आप हमारे गुरु न रहे होते तो वो आपका वध करने के पश्चात जाता, और यदि आपने मेरा मार्ग रोका तो मैं आप में अपने गुरु को नहीं शत्रु सेना के प्रधान सेनापति को देखूंगा, और आपको पराजित करना मेरा धर्म है। सावधान। आगे लो।